वेलकम टू स्टडी मटेरियल बाई डियर्स फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल बाई डियर्स में। दोस्तों SSC CHSL टायर 1 2019 तो 10 जुलाई 2019 की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और एक बार हम फिर से हाजिर हैं एग्ज़ाम का पूरा एनालिसिस लेकर। दोस्तों इस वीडियो में आपको GK GS के लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9794339265 पर हमें सेंड कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा नेक्स्ट शिफ्ट का उसमें वो क्वेश्चन हम जरूर इंक्लूड करेंगे। और दोस्तों अगर पहली बार आपने चैनल पर विजिट ऑन किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का रिव्यूज जो आपकी रिव्यू आते हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था कि पल्स पोलियो कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इसे शॉर्ट में PPI बोला जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का शॉर्ट नेम होता है PPI। तो ये कब आरंभ हुआ था, तो सन 1905 में आपका पल्स पोलियो कार्यक्रम आरंभ हुआ था। अंक बढ़ते क्वेश्चन था कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा जाता है। तो जो आपका संगम साहित्य है वो तमिल भाषा में लिखा जाता है। तो आपकी जो तमिल भाषा थी वो वहाँ पर एकदम राइट आंसर था। दोस्तों एक बात और आपको बता दें कि संगम साहित्य किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका सिंपली जवाब होगा कि तमिल भाषा में लिखे हुए साहित्य को हम संगम साहित्य कहते हैं। तमिल भाषा में लिखे हुए साहित्य को हम संगम साहित्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन था कि चौक का रासायनिक नाम क्या है। चौक यानी कि खड़िया जो कि हम ब्लैक बोर्ड पर यूज करते हैं लिखने के लिए, तो उसका रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट के सूत्र की तो ये होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 जो कि चौक का रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन था कि लोथल स्थल किस राज्य में स्थित है। देखिए लोथल, दोस्तों अगर लोथल के बारे में बताऊं तो लोथल आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह हुआ करता था। लोथल और इसके अलावा आपका था सुतकोतदा, ये दो बंदरगाह हुआ करते थे सिंधु सभ्यता के टाइम। तो जो लोथल है आपका वो गुजरात के अंदर स्थित है। क्वेश्चन है अगला कि भारतीय मूल के अमेरिका में गवर्नर कौन थे। मतलब ये कि वो व्यक्ति जो कि भारत में पैदा हुए और ये अमेरिका के गवर्नर रहे हैं, तो ये कौन थे, ये थे बॉबी जिंदल। तो बॉबी जिंदल जो था वो आपका एकदम राइट आंसर था। अगर बात करें इनके कार्यकाल की तो ये 2008 से लेकर 2016 तक अमेरिका के गवर्नर रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन था कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कब की थी। तो भारत ने सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी। बात आती है 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल थे वो भारत में कहाँ आयोजित हुए थे, तो ये भारत में न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए थे। तो भारत ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी और ये जो खेल हैं वो भारत के अंदर न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन था अगला कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल होते हैं। आपको बता दें कि 4 वेद होते हैं जिनमें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होता है और ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल होते हैं। हो सकता है आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि ऋग्मंडल के अंदर आपकी कितनी सूक्ति होती हैं, तो ये होती हैं 1028 सूक्त होते हैं। और अगर बात करें ऋचाओं की तो आपकी 10462 ऋचाएँ होती हैं। तो ये चीज़ अभी आपको याद रखनी है कि 1028 सूक्त और 10462 ऋचाएँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में बाल श्रम आदि पर निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है। यानी कि जो कहा जाता है कि 14 वर्ष से अगर कम आयु के बच्चे हैं तो उन्हें किसी भी कारखाने पर काम में नहीं लिया जा सकता या उनका बाल श्रम उपयोग नहीं लाया जा सकता, तो ऐसा संविधान की किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 24 है उसमें ये लिखा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी बाल श्रम के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन था कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। अगर बात करें 8वीं अनुसूची की तो 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन था कि भाई आयमा हिंदू। देखिए दोस्तों मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि जो पुस्तकें 2019 में लिखी गई हैं या फिर जो फेमस राइटर हैं या फिर चर्चित व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति हैं उनकी द्वारा जो किताबें लिखी गई या फिर जो उनके ऊपर किताबें लिखी गई उन सभी को आप ज़रूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि
एक पुस्तक के लेखक आपसे हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। और अगर बात करें शशि थरूर की, तो इनकी जो किताबें हैं वो सबसे ज़्यादा SSC CHSL के एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। तो भाई आई एम अ हिंदू इस पुस्तक को लिखा है शशि थरूर ने, तो शशि थरूर जो था वो आपका एकदम राइट आंसर था। क्वेश्चन अगला कि भारत में GST कब लागू हुआ था। बात करें GST की, तो इसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि आप सभी को पता होगा। तो बात करें अगर GST की, तो ये भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। क्वेश्चन अगला कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए दोस्तों, जो पल्लव हुआ करते थे, तो उनकी जो राजधानी थी वो थी कांची, या फिर इसे हम कांचीपुरम भी बोलते हैं। तो कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी, और जो आपका कांची है वो तमिलनाडु के अंदर आता है। और एक बात है कि कांची को हज़ार मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। कांचीपुरम या फिर कांची को हज़ार मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, और ये पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी, और कांची जो है वो तमिलनाडु के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था अगला कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन अनुच्छेद कौन सा है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति का आपका निर्वाचन होता है, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद की बात करें, तो ये है अनुच्छेद 66। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 66 यानी कि अनुच्छेद जो 66 है वो आपका उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अगर बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से आपका अनुच्छेद नंबर 55 संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति से 55 और उपराष्ट्रपति से 66। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था अगला कि लोसांग किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अच्छी तरह से देखना होगा कि लोसांग किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो लोसांग जो है वो आपका सिक्किम का प्रमुख त्यौहार है। देखिए दोस्तों, कुछ आपको प्रमुख त्यौहार और बता देते हैं, जैसे कि अगर ओणम की बात करें या फिर विशु पर्व की बात करें। ओणम हो गया और विशु पर्व हो गया, तो ये जो प्रमुख त्यौहार हैं ये केरल के प्रमुख त्यौहार हैं। अगर बात करें पोंगल की, तो पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। अगर बात करें रंगोली और बिहू, ये रंगोली और बिहू जो दो पर्व हैं ये असम के प्रमुख त्यौहार हैं। और अगर बैसाखी की बात करें, तो बैसाखी पंजाबी का या फिर पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना है क्या क्या कि विशु पर्व और ओणम केरल के प्रमुख त्यौहार हैं, पोंगल तमिलनाडु का, रंगोली और बिहू असम की, और बैसाखी पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला कि कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी कौन सी है। तो कंप्यूटर की जो अस्थाई मेमोरी है वो होती है रैम, जिसका मतलब होता है रीड एक्सेज मेमोरी। इसका फॉर्म होता है रीड एक्सेज या फिर रैंडम एक्सेज मेमोरी। ठीक है, दो तरह से इसके फुल फॉर्म बन जाते हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं आपको रैंडम एक्सेज मेमोरी देखने को मिलेगी, या फिर कहीं कहीं रीड एक्सेज मेमोरी देखने को मिल जाएगा। और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर से आपसे हर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कंप्यूटर के जो भी आपके मोस्ट रिपीटेड MCQs हो सकते हैं वो आप एग्ज़ाम के पहले एक बार ज़रूर देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान का भाग दो किससे संबंधित है। अगर संविधान के भाग दो की बात करें, तो संविधान का जो भाग दो है वो नागरिकता से संबंधित है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचा देना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जौनपुर है आपका गोमती नदी के किनारे स्थित, तो आपका जो गोमती था वो वहाँ पर राइट आंसर होने वाला था। क्वेश्चन है अगला कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए दोस्तों, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि राष्ट्रीय मुद्राएं या फिर राजधानियां देशों की या फिर राष्ट्रीय खेल, ये आपको ज़रूर से देख लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की बात करें, तो वो होता है वॉलीबॉल। अगर बात करें हम स्पेन की, तो स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो होता है बुल फाइटिंग, यानी कि जैसे हम सांड युद्ध कहते हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, कनाडा का आइस हॉकी, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, इंग्लैंड का क्रिकेट, रूस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और अगर बात करें ब्राज़ील और फ्रांस की, तो फुटबॉल यहाँ के राष्ट्रीय खेल हैं। और बात करें अगर भूटान की, तो तीरंदाजी भूटान का प्रमुख या फिर राष्ट्रीय खेल हम इसे कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1979 में क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था।
तो 1989 में जो क्रिकेट विश्व कप था वो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जीता था। अगर बात करें 1983 की तो 1983 में भारत ने क्रिकेट विश्व कप को जीता था। तो ये भी आपको थोड़ा याद रखने वाला पॉइंट है जो कि हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो जो आपकी भागवत गीता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। नाम था इनका चार्ल्स विल्किंस, जिन्होंने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अपना लास्ट क्वेश्चन है कि AEPDA का फुल फॉर्म क्या है? आपसे फुल फॉर्म पूछी थी, तो AEPDA का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये होता है AEPDA का फुल फॉर्म। तो दोस्तों ये थे लगभग 20 से 21 क्वेश्चन जो कि हमें अभी तक फर्स्ट शिफ्ट के मिले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे 50 प्लस लाइक पहुंचाने की कोशिश जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन लोगों का भी कुछ भला हो सके। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट रिव्यूज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आज का ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।